अब मंचलों की खैर नहीं, टीम ए करेगी निगरानी। सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूल, कोचिंग संस्थान एवं नशा पदार्थ सेवन कर रहे युवाओं पर टीम ए रखेगी निगरानी। न्यूज़ 9 टाइम्स नरकटियागंज से रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट। नरकटियागंज शिकारपुर थाना के प्रांगण में 360 रिसर्च फाउंडेशन के स्थापित टीम ए की बैठक आज शिकारपुर थाना अध्यक्ष एवं लौरिया थाना प्रभारी की अध्यक्षता में सभी कोचिंग संस्थान, सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल, डायरेक्टर एवं टीम ए के एरिया कोऑर्डिनेटर के बीच शिकारपुर थाना के ग्राउंड में संपन्न हुई, जिसमें शिकारपुर थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि यदि टीम ए पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से सोशल वर्क करती है तो समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। यदि किसी भी क्षेत्र में असामाजिक तत्व का जमावड़ा होता है तो वहाँ पुलिस के सहयोग से टीम ए के सदस्य वहाँ पहुँचते हैं तो असामाजिक तत्व के अंदर डर बन जाएगा कि अब यहाँ पर प्रशासन के साथ टीम ए के सदस्य भी पहुँच रहे हैं तो वहाँ पर असामाजिक तत्व नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि पुलिस को देखकर ये लोग भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन टीम ए के सदस्य को ये लोग नहीं पहचान पाएंगे और टीम ए के सदस्य से पुलिस को काफ़ी सहयोग मिलेगी, जैसे समाज में बहुत सी बुराइयाँ एवं छोटी मोटी कमियों को टीम ए के माध्यम से दूर किया जा सकता है। वहीं थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि इस वक्त नशे की लत में बहुत सारे युवा डूबे हुए हैं जिनकी उम्र 18 से 22 वर्ष के बीच होती है। वे छोटी मोटी गलती समाज के अंदर करते रहते हैं और इन युवाओं को लालच दिखाकर बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिलवाते हैं। इसलिए जहां पर ऐसे एरिया हैं उन्हें चिन्हित कर टीम ए के एरिया कोऑर्डिनेटर के द्वारा पुलिस को सूचना देगी, जिस पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए चिन्हित स्थल पर पहुंचेगी और टीम ए के सदस्यों की गोपनीयता बनाए रखेगी, जिससे नशा पदार्थ बेच रहे लोग या नशा कर रहे युवाओं को डर बना रहेगा कि कहीं टीम ए के सदस्य कहीं आसपास तो नहीं है। इसी प्रकार से सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूल एवं कोचिंग संस्थानों पर स्कूल के समय पर पहुंचकर टीम ए के सदस्य मंचलों पर निगरानी रखेंगे, जिससे मंचलों के अंदर ये डर बन जाएगा, जिससे वह स्कूल एवं कोचिंग संस्थान पर जाना भूल जाएंगे। इसके साथ अजय कुमार ने बताया कि स्कूल एवं कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर एवं पढ़ाई कर रहे लड़के एवं लड़कियों के परिजनों के साथ एक ऐसा मोबाइल ग्रुप होना चाहिए जिससे शिक्षक एवं परिजनों का तालमेल बना रहे। इसी प्रकार शिक्षकों ने कहा कि यदि हम लोग अपने घर में अपने बच्चे एवं बच्चियों के ऊपर फोकस करते हैं कि वह कब और किस समय पढ़ाई करने के लिए जाती है और कितने बजे घर वापस आती है तो इससे बच्चे और बच्चियों पर काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है, जिससे उन्हें यह लगेगा कि हमारे परिजन हमारे ऊपर निगरानी बनाए हुए रखे हैं। न्यूज़ 9 टाइम्स। नशे या जो भी टीनेज में बहुत सारे गलत एक्टिविटीज़ को करते हैं, तो हमारा ये मानना था कि टीम ए के हमारे जो लड़कियों की सुरक्षा के लिए है उनके साथ साथ हमारे इस साथ साथ उस लड़के को जिनमें कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है या फिर वो अनएजुकेटेड है उनके उन पर भी ध्यान दिया। हमारा बस फर्स्ट हम ये देखते हैं कि हमारा परिवार जो है वो हमारा फर्स्ट विद्यालय होता, पहला विद्यालय होता, वहीं से अगर हम लोग सर आज ए टीम के द्वारा जो कार्यक्रम हुआ थाना परिसर में उसमें क्या संदेश देना चाहेंगे आप नगरवासियों को? सर टीम एक का गठन हुआ है ये महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है टीम ए के सदस्यों के द्वारा। इसी संदर्भ में आज थाना पर टीम ए की बैठक हम लोगों के साथ हुई है जी, और एक एनजीओ संस्था है ये जी, और इस संस्था से प्रशासनिक सहयोग इनको प्रदान करते हुए नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र मार्केट क्षेत्र में इस तरह की घटना घटित ना हो जी, इसके लिए हम लोग सारे स्कूल कोचिंग संस्थान के साथ मिलकर अवेयरनेस का कार्यक्रम आगे चलाएंगे ताकि इस घटना में कमी हो सके और बच्चे को, बच्चियों को और उनके गार्जियन को जागरूक करके इस पर हम लोग काबू कर सकें। धन्यवाद।